आप सभी का रॉयल इंडियन स्कूल के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक नटखट से बंदर की नटखट कविता सुनाने जा रही हूँ। आपको पता है बंदर कौन होता है, कहाँ रहता है बंदर? बंदर पेड़ों में रहता है, जंगल में रहता है। बंदर क्या करता है? खूब मस्ती करता है। जो भी हम करते हैं उसे कॉपी करता है, हमें देख के इमिटेट करने लगता है। तो आइए हम सभी एक ऐसे ही नॉटी नॉटी नटखट से बंदर की कविता सीखते हैं। पहले आप सभी ध्यान देना कि किस तरह से मैं इस पोयम को आपको सुनाने वाली हूँ। किन तीन चीजों का ध्यान रखना है? शब्द, फेस के एक्सप्रेशंस और एक्शंस। इन तीनों चीजों को आप अच्छे से सीखो, फिर जब आप पोयम बोलोगे तो उन चीजों को आप भी अपने पोयम रेसिटेशन में लाना, ठीक है? ध्यान से सुनिए। बंदर मामा, बंदर कैसे कहते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, आप भी करना। बंदर मामा पहन पजामा, ठुमक ठुमक ससुराल चले, सिर पर टोपी गले में माला, हाथ में ले रुमाल चले। धन्यवाद। शिक्षा, हमें जानवरों को सताना नहीं चाहिए। हमारे आसपास कितने सारे जानवर हैं, हमें उन्हें परेशान करना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह हम हमारा ध्यान रखते हैं उसी तरह हमारे आसपास सभी जानवर, पेड़ पौधे, सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? अब मैं बोलती हूँ, आप मेरे बाद दोहराना, रिपीट करना। चलो करते हैं, बोलो। बंदर मामा, बंदर मामा पहन पजामा, ठुमक ठुमक ससुराल चले, सिर पर टोपी गले में माला, हाथ में ले रुमाल चले। धन्यवाद। शिक्षा, हमें जानवरों को सताना नहीं चाहिए। मजा आया ना? अब खूब सारे बार इसको प्रैक्टिस करो,